भिवानी में जाट नेता हवा सिंह सांगवान ने एक बार फिर प्रदेश के सीएम मनोहर लाल खट्टर को पाकिस्तान मूल का कहकर उन पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सीएम कहने को हरियाणा एक, हरियाणवी एक का नारा देते हैं, लेकिन वोट पंजाबी के नाम पर मांगते हैं। साथ ही इस बार उन्होंने मनोहर लाल खट्टर को पीएम द्वारा थोपा हुआ सीएम करार दिया और बोले, भाजपा में सबसे सीनियर व योग्य राम विलास शर्मा थे, अगर वो सीएम बनते तो हरियाणवियों के साथ न्याय होता। हरियाणा नहीं चुना है उनको, आपको बताऊं, उनको मोदी ने चुना है। आप गलत बात करें, जब बने ये मैंने बयान दिया बागत प्रेस में, आप लोग हैं छापने वाले, मैंने दिया था ये थोपिया हुआ मुख्यमंत्री है। बताओ हरियाणा में जो बीजेपी के जो एमएलए चुने गए थे उनको किसने बनाया, किसने कब वोटिंग हुई, किसने उनको चुना? वो एमएलए तो उनके साथ खड़े हैं, बिल्कुल खड़ा है, कहीं है मोदी ने खड़े किए हैं वो, नहीं तो जो हमारे शर्मा जी हैं वो सबसे सीनियर हैं बीजेपी में और वो बीजेपी के अध्यक्ष थे, उनका अधिकार था सीएम बनाने का। मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ, मैं पॉलिटिकल आदमी नहीं, बिल्कुल मैं बात बोल रहा हूँ धर्म की, जो धर्म होता है आदमी का, वो जो है सबसे सीनियर थे, वो पार्टी के अध्यक्ष थे और उनको हरियाणा का मुख्यमंत्री बनाना चाहिए, वो हरियाणवी है, ये थी न्याय की बात। और मोदी ने जबरदस्ती यहाँ थोप दिया, वो दादागिरी कर रहे हैं मोदी साहब, वो वहां भी कर रहे हैं, क्या नाम है, गुजरात में भी किए उन्होंने, हरियाणा में भी कर रहे हैं, कि जो जो मेजोरिटी हो उसको डाउन करना और जो डाउन में उसको ऊपर लाना और आपस में संघर्ष करवाना, लड़ाई करवाना, झगड़ा करवा रहे हैं। बता दें जाट धर्मशाला में पूर्व कमांडेंट एवं जाट नेता हवा सिंह सांगवान ने प्रेस वार्ता के दौरान एक एक कर पहले से कहीं ज्यादा प्रदेश के मुख्यमंत्री को घेरा। उन्होंने आरोप लगाया कि हरियाणा एक, हरियाणवी एक का नारा देने वाले सीएम निगम चुनावों में पंजाबी होने के नाते वोट मांग रहे थे। इतना ही नहीं, हवा सिंह सांगवान ने यहां तक कहा कि सीएम मनोहर लाल खट्टर ने षड्यंत्र के तहत सांसद राजकुमार सैनी व यशपाल मलिक के कंधों पर बंदूक रखकर हरियाणा का भाईचारा खराब किया है। हवा सिंह सांगवान ने 2016 में मनोहर लाल खट्टर द्वारा कही एक बात याद दिलाते हुए कहा, अगर ऐसी बात कोई महाराष्ट्र, बंगाल या मिजोरम में करे तो वहां के लोग उसे वापस ना आने दें। 2016 में बोला था कि भी ये जो हरियाणवी लोग हैं इनका जो है दिमाग कमजोर है, ये कंधे तक मजबूत है, ऊपर है नहीं। तो हमने उसका जवाब दिया था कि ये आदमी इसलिए बोल रहा है कि ये हरियाणवी नहीं, ये पंजाबी है, पाकिस्तानी मूल का आदमी है। और जो पाकिस्तानी मूल की जो बात कही थी मैंने, बाकायदा सरकार ने सरकारी तौर पर वो स्वीकार कर चुकी है, इसमें तारीख भी दी है मैंने कब क्या कर चुकी है कि कब किया इन्होंने, इन्होंने वैकेंसी निकाली, वहां भी लिखा हुआ था पाकिस्तानी मूल का, सरकार ने वैकेंसी निकाली सोनीपत में ज्योग्राफी लेक्चरर की, और वो अखबार मेरे पास है। अब उससे भी खतरनाक बयान दे दिया कुछ दिन पहले, रोहतक में और करनाल में इन्होंने पंजाबी नांग से वोट मांगी, जबकि यही आदमी गुड़गांव ड्रामा कर रहे थे, हरियाणा एक, हरियाणवी एक, और पंजाब नाम से वोट मांगते हैं। तो देखिए कितनी चालाकी करेंगे लोग, और हमारे हरियाणा के लोग नहीं समझ रहे, हरियाणा के आदमी समझते हैं जाट हरियाणवी होते हैं, दूसरे नहीं होते, ऐसा लगता है मेरे को बातों से लोगों को। हरियाणवी हरियाणा में 94% और ये पाकिस्तानी मूल के आदमी 6% है, इस बात को समझने की बात है, और ये समझने में टाइम लगेगा थोड़ा। और मैं यहां तक कहता हूं कि इन्हीं के आदमी ने रिसर्च की है, ये जो है ऐसी नस्ल है जो हिंदुस्तान में किसी से नहीं मिलती है, यमनी नस्ल के आदमी यमनी देश से आए थे, और इनकी भाषा बाद में इन्होंने थोड़ी पंजाबी वगैरह स्थानीय भाषाएं सीखी हैं, अदरवाइज इनका नस्ल अलग है। इसीलिए इन्हीं के जाति का डॉक्टर दयान मेडिकल कॉलेज लुधियाना, उसने रिसर्च की सोबती ने, और उसमें पाया इनमें 7.5% थैलीसीमिया बीमारी है। मैं तो ये कहता हूँ हरियाणा के लोग इनसे शादी ब्याह रिश्ते करते हैं, सोच सावधान है, ये हमसे नहीं मिलते हैं, हमारा खून इनसे नहीं मिलता है, इनका डीएनए अलग है, चक्कर वालो आप लोग, और ये खुद ही बोलते हैं हमारा डीएनए अलग है। कोचर जो है, कोचर वो खुद इनका भाई है, राजेश कोचर, जो खुद बोलता है हम तो यमुनी नस्ल के हैं। अब ये बताइए, हरियाणा बना था हरियाणवी के लिए, और वो भी सिखों ने बनवाया था, फिर उमन जड़के मरा, उसने सुबह की मांग करी पंजाबी सुबह की, और बचा हरियाणा, और ये जो बोलते हैं अभी उसको फिर पंजाब बनाएंगे, और कोशिश भी कर रहे हैं। अब 5 जगह जो जीतते हैं उसका मतलब ये है, ये हिंदू पाकिस्तानी मुल्क के पंजाब को बनाना चाहते हैं यहां, इसलिए इन्होंने नारा दिया थे। उसी नारे के जवाब में जो है ना, ये प्रेस वार्ता कर रहे हैं कि हरियाणवी लोगों तुम सीखो, समझो इनसे,
इनसे यही सिखा रहे हैं हमको कि भाई तुम पंजाबी हो, तुम हरियाणवी हो, तुम ये हो। हमने सीखना पड़ेगा ये बात, और हम सीखेंगे एक दिन, लेकिन बहुत देर हो जाएगी, गई हालत हो जाएगी जो दिल्ली की हो चुकी है। दिल्ली कभी प्राचीन हरियाणा के अंदर थी, और इसके जो तीन तहसीलें थी, बल्लभगढ़, दिल्ली और सोनीपत, आज देखो वहाँ क्या हालत है, हरियाणा की क्या हालत है, और दुनिया बसा दी वहाँ, आज दिल्ली बसने लायक नहीं है। आज ये दो चार दिन पहले जो जज है सुप्रीम कोर्ट के, मिश्रा जी, उन्होंने बयान दिया है कि दिल्ली रहने लायक नहीं है। यदि हमने ध्यान नहीं दिया तो हरियाणा भी एक दिन रहने लायक नहीं रहेगा। मैं दावे से कहता हूँ ये बातें रहेंगी रिकॉर्ड, हम नहीं रहेंगे वो अलग बात है, लेकिन ये बातें दर्ज रहेंगी। आज जो है फरीदाबाद, गुड़गांव, नोएडा और दिल्ली एक जैसा है, प्रदूषण हमेशा खतरनाक उसमें रहता है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि पाकिस्तान मूल के लोग हरियाणा के लोगों को पागल बना रहे हैं, वरना संविधान में कैसे हो सकता है कि 94% लोगों पर 6% लोग राज करें।